हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आलन बन 2.0। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स डाला था और आज के इस थंबनेल से या टैगलाइन से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैकबेथ को समझने वाला हूं, जो कि विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स में से एक है और ट्रेजेडी नोवेल इसको माना जाता है। ठीक है, तो उसको ही आज हम इसमें समझेंगे। इसमें क्या है कि फ्रेंड्स, मैंने बहुत जगह से पढ़ा है, 3-4 चैनल से पढ़ा है, बुक से भी पढ़ा है, उसके MCQ भी पढ़े हुए हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, उनके थ्रू मैं आपको समझाता चला जाऊंगा कि उस जो मैकबेथ है उसकी स्टोरी क्या है। मेरा 99% कोशिश रहेगी और आई थिंक मुझे भरोसा भी है कि आप लोगों को एक ही बार में वो पूरी नोवेल समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ हम जल्द ही अपलोड करेंगे, जिसमें हम मैकबेथ के ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या है कि मैकबेथ के कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं अपनी बुक में, तो मैं उन्हीं को आपको समझाता चला जाता हूँ। इससे पहले वीडियो आगे बढ़े, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। इस चैनल पर आप लोग जो कि देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्रकार के इंग्लिश लिटरेचर से और इंग्लिश ग्रामर से वीडियोज अवेलेबल हैं। मैं अपलोड करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 10th में हैं, 12th में हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा, अब हम अपने बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मैकबेथ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, लिखा है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। अब सबसे पहले मैं बता दूं, ये ड्रामा है। ठीक है, अभी मेरे मुंह से निकल गया कि ये नोबल है, तो ये ड्रामा है। और मैं बता दूं साथ साथ, ये पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ये फिर हम कहें, यहाँ इस जो प्ले है, ये जो ड्रामा है मैकबेथ, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं उसको हम समझेंगे, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन सबसे पहले यही बन जाता है कि ये पब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये पब्लिश्ड हुआ था 1623 में। अब इसका जो प्लेस है वो कहाँ पर है, तो ये स्कॉटलैंड वर्सेस नॉर्वे और आयरलैंड के बीच का एक वॉर के बारे में बताता है ये मैकबेथ। ठीक है, अब ये पब्लिश्ड हुआ था 1623 में, और जो परफॉर्म्ड है वो कब हुआ था, 1605 और 1606 में इसको परफॉर्म किया गया था एज अ स्टेज पर। ठीक है, तो ये है। अब क्वेश्चन उसके आगे ये भी बनता है कि ये जो मैकबेथ है बाय विलियम शेक्सपियर की, ये किससे इंस्पायर्ड होके विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, तो ये है हॉलिंसिड क्रॉनिकल, एक इन्हीं का ट्रेजेडी होगी, उससे इंस्पायर होके लिखा था उन्होंने ये मैकबेथ। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। जैसे हमारा ये लिखा है, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा मैकबेथ ही है। मैकबेथ लोग समझ के थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैकबेथ है क्या, तो मैं बता दूं, मैकबेथ एक कैरेक्टर है, किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम है मैकबेथ, जो इस मैकबेथ का हीरो है, इसीलिए इसका मैकबेथ नाम पड़ गया। और ये मैकबेथ पर्सन कौन है, ये कैप्टन है, कहाँ पर, डंकन्स की आर्मी में। ठीक है, लेटर ये थेन ऑफ कॉर्डर बनता है, आगे समझ में आएगा जब हम स्टोरी समझेंगे। अब ये डंकन कौन है तो आपको समझ में आ जाएगा आगे, अभी आप देखते चलिए मैकबेथ क्या है, एक कैप्टन है और कहाँ एक डंकन व्यक्ति है, वो उसकी आर्मी के कैप्टन है, बाद में इन्हें क्या बनाया जाता है, थेन ऑफ कॉर्डर बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, प्लेस सेट है स्कॉटलैंड में, तो अब समझ में आया आपको क्या है, स्कॉटलैंड के राजा हैं डंकन, उनकी ही आर्मी के कैप्टन है मैकबेथ। आगे चलते हैं, अब लेडी मैकबेथ, सिंपल सी बात है, इनकी मैकबेथ की वाइफ हुई तो भी लेडी मैकबेथ हुई। ठीक है, आगे बैंको, ये लिखा है बैंको, बैंको कौन है,
एक फेलो कैप्टन है, या फिर हम कह सकते हैं जो मैकबेथ है उसका फ्रेंड है, ये लिखा हुआ है मैंने आगे, कंपेनियन ऑफ मैकबेथ, यानी कि मैकबेथ का फ्रेंड ये लिखा है। डंकन कौन है, आगे हम बात कर रहे थे डंकन की आर्मी में कैप्टन है मैकबेथ, अब डंकन कौन है, डंकन है किंग, कहाँ का, स्कॉटलैंड का, आगे हमने बताया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम फ्लिंस, फ्लिंस बैंको है, और बैंको कौन है, ये मैकबेथ का फ्रेंड है बैंको, और बैंको का लड़का है फ्लिंस। अब जो राजा है डंकन, इसको डंकन पढ़ते हैं, तो इसके दो बेटे हैं, एक मेलकम एक डोनाल्बिन, ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है, मैकडफ एक, उन्हीं की आर्मी का एक दूसरा व्यक्ति है मैकडफ है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इस प्ले में, आप देखते चलिए। ठीक है, अब तक हम कितने, चार पांच कैरेक्टर समझ चुके हैं, मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ, फिर बैंको, बैंको का बेटा, फिर डंकन, डंकन के दो बेटे। अब आते हैं मैकडफ के, सो मैकडफ भी एक एज अ मैकबेथ की तरह ही एक थैन ऑफ कॉर्डर है कहीं वहीं का स्कॉटलैंड में। उसके बाद थ्री विचेस, यानी कि विचेस माने होती हैं खराब या बेकार चुड़ैल टाइप की कह सकते हैं, बेकार आत्माएं, चुड़ैल आत्माएं जिनको हम बोलते हैं वो, तो वो थ्री विचेस हैं, इनका सबसे बड़ा रोल है इस मैकबेथ प्ले में। ठीक है, थ्री एजेंट्स ऑफ फेट, यानी कि थ्री एजेंट्स भी हैं इन विचेस के। उसके बाद ये छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, पोर्टर है, एक ओल्ड मैन व्यक्ति है, एक डॉक्टर्स है। ठीक है, तो ये हैं। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो मैकबेथ है वो कितने एक्ट की ट्रेजडी है, तो ये लिखा हुआ है साफ साफ आप देख सकते हैं, फाइव एक्ट की ट्रेजडी है ये। ठीक है, और इसकी जो मोस्ट फेमस स्पीच है वो टुमैरो एंड टुमैरो एंड टुमैरो क्रीप्स इन थिंग्स प्रिटी पेस फ्रॉम डे टू डे, ये कुछ फेमस जो इसकी स्पीचेस हैं, ये कई बार पूछ लेते हैं, डायरेक्ट एक लाइन दे दी उन्होंने क्वेश्चन में कि टुमैरो एंड टुमैरो एंड टुमैरो, ये किस नोबल की या किस ड्रामा की लाइन है, तो आपको याद रखना कि ये मैकबेथ की लाइन है। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स थे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कब परफॉर्म किया गया इसे, है ना, और कब लिखा गया, कब पब्लिश किया गया, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं वो हमने इसको समझे, अब हम स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम ये देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ एक मेंशन नहीं है, इसमें जो हमने अभी बात की थी थ्री विचेस की, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो तीन बेकार आत्माएं हैं या जिनको हम चुड़ैल बोलते हैं, तो वो थ्री विचेस हैं, वो आपस में डिस्कस कर रही हैं कि हमें किस प्रकार से जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उनके बीच में हमें किस प्रकार से एक झूठी कह सकते हैं, हमें महत्वाकांक्षा पैदा करना है बेकार सी, जिससे ये बर्बाद टाइप का हो जाए, ऐसा कुछ हम मान सकते हैं। ठीक है, तो वो थ्री विचेस हैं, उसके बाद वो आपस में डिस्कस कर लेती हैं, उसी दौरान डिस्कस करने के बाद उसी दौरान वो देखती हैं कि इन ओपनिंग लाइन यानी कि शुरुआत में ही उसी समय मैकबेथ बैंको आर रिटर्निंग आफ्टर विनिंग वॉर स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, यानी कि स्टार्टिंग में स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में, किस किस के बीच में, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में एक वॉर चल रहा होता है, तो जिसमें मैकबेथ और बैंको गया था, तो वो वॉर जीत गए हैं, स्कॉटलैंड उसने उस वॉर को जीत लिया है और अब वो वापस आ रहे हैं वॉर जीत कर। तो बीच में ही जो थ्री विचेस हैं वो उसको मिलती हैं, मिडिल इन द वे मैकबेथ मेट विद थ्री विचेस, यानी कि जो मैकबेथ है और जो बैंको है वो दोनों ही किससे मिलते हैं, थ्री विचेस से, वो तीनों ही बेकार आत्माओं से, चुड़ैलों से मिलते हैं, जो उनसे कहती हैं, हु टोल्ड हिम, जो उससे कहती हैं दैट यू बिकम द थैन ऑफ कैडर, कि तुम जो है जल्द ही थैन ऑफ कैडर बनोगे, थैन ऑफ कैडर का मतलब होता है एक जिले का राजा कह सकते हैं, उस टाइप से उन्होंने बोला है कि आप जल्द ही उस जिले के राजा बन सकते हैं, आप आर्मी के हेड हैं अभी, कैप्टन हैं, लेकिन आप जल्द ही एक जिले के या थैन ऑफ कैडर बनोगे, ये बोला है, और लेटर यू बिकम द किंग, और बाद में तुम किंग बनोगे, यानी कि स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, ये थ्री विचेस ने में से एक विच ने मैकबेथ से बोला है। उसके बाद बैंको के बोला है, दूसरी एक विच है, उस विचेस ने उन दो बैंको से बोला है कि योर योर सन
बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि आप तो राजा नहीं बन पाओगे बैंको, लेकिन आपका जो लड़का है, सन है, योर सन बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, आपका जो लड़का है वो बनेगा स्कॉटलैंड का राजा, आप नहीं बन पाओगे। तो ये स्टार्टिंग की लाइन में थ्री बिचेस ने प्लानिंग करके उनको मैकबेथ और बैंको को बीच में रोका और बोला इस प्रकार से, तीन भविष्यवाणी टाइप की कर दी उन्होंने मैकबेथ के बारे में और बैंको के बारे में। आफ्टर दिस किंग डंकन लिसन मैकबेथ ब्रेवरी, यानी कि तो जब वो मैकबेथ है जीत के आ रहा था स्कॉटलैंड की तरफ से, जो आयरलैंड से हो रहा था आर्मी का जो वॉर, वो जीत के आ रहा था, तो डंकन ने, किंग डंकन ने, राजा डंकन ने सुना तो उसकी बहादुरी के दाद देते हुए उसको बुलाया अपने यहाँ और थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया। ही सेज टू विजिट द फोर्ट, और उसने कहा कि आप आज से आप थेन ऑफ क्वार्टर हैं और कि आपके जो किले है उसको हम घूमने आ रहे हैं। थेन ऑफ इसी के बाद मैं उसको मैकबेथ को याद आया कि जो विचेस ने भविष्यवाणी की थी कि आप कैडर बनोगे थेन ऑफ क्वार्टर, तो आपकी ये भविष्यवाणी सच हो गई। ठीक है, उसके बाद तो उसके दिमाग में जो कि मैकबेथ है उसके दिमाग में महत्वाकांक्षा जग जाती है कि अब हम जब थेन ऑफ क्वार्टर बन गए हैं तो उसकी एक भविष्यवाणी सही हो गई है, तो अब हम इसका मतलब स्कॉटलैंड के राजा भी बनेंगे। और वो ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी को बताता है, लेडी मैकबेथ को, तो उसके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें, लालच आ जाता है। ठीक है, और वो राजा को मारने की प्लानिंग करते हैं कि इस प्रकार से हम राजा बन सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ समय पहले ही राजा ने जब थेन ऑफ क्वार्टर बनाया मैकबेथ को, तो डंकन ने अपना जो बड़ा बेटा था डोनाल्विन और मेलकम, उनमें से एक को स्कॉटलैंड का राजा बनाने की घोषणा की थी, तो इससे वो घबरा गया। आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर, ये थर्ड पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट डंकन अनाउंस, ने अनाउंसमेंट किया कि जो एल्डेस्ट सन है उसका मेलकम, वो बनेगा बिकम द किंग ऑफ आफ्टर मी, यानी कि मेरे बाद मेरा राजा बनेगा स्कॉटलैंड का, हीयर ऑफ थ्रोन, यानी कि उसके थ्रोन का हकदार होगा उसके, है ना। उसके बाद देन लेडी मैकबेथ मेक अ प्लान, उसके बाद लेडी मैकबेथ ने, यानी कि मैकबेथ की पत्नी ने एक प्लान बनाया, किसका, मर्डर ऑफ किंग, यानी कि डंकन जो राजा हैं और स्कॉटलैंड के, उनको मारने का। और मैकबेथ मना कर रहा था कि नहीं ये सब गलत है, लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसको फोर्स किया मारने के लिए और उसे एम्बिशन से, यानी महत्वाकांक्षा से भर दिया कि आप राजा बन जाएंगे, आपका राज पाठ होगा पूरा, सोचिए इतनी बड़ी शक्तियाँ होंगी, तो उससे वो भर दिया और एक प्लान बना के रेडी कर लिया राजा को मारने के लिए। इन हैंस योर करेज देन मैकबेथ सेम नाइट किल्ड किंग डंकन एंड फ्रेम द डंकन्स गार्डनिंग, यानी कि उसने उसी रात, जिस रात जो डंकन थे उसके यहाँ आए थे किले में घूमने के लिए, उसी रात लेडी मैकबेथ ने और मैकबेथ ने दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, सेम नाइट उसी रात किल्ड कर दिया किंग डंकन को। और जो उसका इल्जाम है, यानी कि जो फ्रेम है, वो डंकन का ही एक किंग डंकन का ही एक गार्ड था, उसके ऊपर सौंप दिया। उसके बाद क्या होता है, और वो वहाँ से भाग जाते हैं, एक तरह से सो जाते हैं। उसके बाद देन मैकबेथ किल्ड गार्ड, और उसके बाद सब बेल बजती है, मैकडफ आता है, पूछता है सबसे, मैकडफ जिसके हम बात कर रहे थे, थेन ऑफ उसी का, स्कॉटलैंड का एक थेन ऑफ कैडर है उसी प्रकार से, तो मैकडफ आता है, पूछताछी करता है, समझता है कि किसने मारा, तो मैकबेथ जो है उसके गार्ड को भी मार देता है पूछने में कि इसने ही मारा है हमारे राजा को, और इस प्रकार से वो मार देता है किसको, गार्ड को भी। उसके बाद जो किंग के सन है, जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, मेलकम जो कि राजा बनने वाला था डंकन के बाद, वो दोनों ही बेटे उसके डर जाते हैं और रन अवे फ्रॉम द स्कॉटलैंड टू सेव देयर लाइफ्स, और वो स्कॉटलैंड से दोनों बच्चे उसके क्या करते हैं, भाग जाते हैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, कि उनको लगता है कि जिसने मेरे पिताजी को मार दिया वो मुझे भी मार देगा, मेरी जान को खतरा है, तो इस प्रकार से वो भाग जाते हैं। आफ्टर किलिंग द डंकन मैकबेथ बिकेम द किंग, और उसके बाद सारी चीज़ें खत्म होने के बाद मैकबेथ ही सबसे बड़ा है, तो वो ज़बरदस्ती वहाँ का राजा बन जाता है, कहाँ का, स्कॉटलैंड का, है ना, लिखा है किंग के, आफ्टर किलिंग द डंकन, यानी कि मारने के बाद मैकबेथ बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड ही अरेंज अ पार्टी, और उसकी खुशी में ही कि वो राजा बन गया, उसकी खुशी में एक पार्टी अरेंज करता है टू
सेलिब्रेट, यानी कि सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैकबेथ हमारी कहानी चल रही है कि किस प्रकार से ये कहानी शुरू हुई एक मैकबेथ के बार रिटर्निंग से, और उसने डंकन को मार दिया, थेनोस कॉर्डर बना, और जो मैकबेथ जो डंकन के जो पुत्र थे वो दोनों भाग गए स्कॉटलैंड से, और अब वो राजा बन गया है मैकबेथ का, और एक पार्टी इंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं हम, देन मैकबेथ हाइड मर्डर्ड। अब उसको याद आता है मैकबेथ को कि थ्री विचेस में से एक विचेस ने मतलब घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि बैंको का जो बेटा है फ्लिंस वो राजा बनेगा, यानी कि उसको उससे खतरा है। तो इस प्रकार से फिर मैकबेथ क्या करता है, हायर करता है, यानी कि मर्डर को, कुछ मर्डर्ड होते हैं उनको हायर करता है, एंड मेक किल, और ऑर्डर देता है किल बैंको, बैंको को भी मरवा देता है, एंड सेम टाइम हिज एंड फ्लिंस रन अवे, और फ्लिंस को भी मरवाने के लिए जाते हैं, लेकिन फ्लिंस जो है बैंको का बेटा वो भाग जाता है वहां से बचकर, फ्रॉम देयर जहां से वो भाग जाता है। देन ही इज बरी टू रिमेम्बर विच इज थॉट, तो उसको और चिंता लग जाती है कि बैंको का बेटा राजा बनेगा, इसका मतलब वो मुझे मारकर राजा बनेगा, तो उसको इस बात चिंता में डाल देती है। फिर वो क्या करता है, वो अगेन वो परेशान होकर थ्री विचेस के पास जाता है और उनसे बातचीत करता है कि अब मैं क्या करूं, है ना। और इधर जो लेडी मैकबेथ है, उसकी जो पत्नी है, देयर लेडी मैकबेथ बिकम मैड, और उधर जो लेडी मैकबेथ है उसको सपने आते हैं, इनसोम्निया, नींद नहीं आती, रात में चलती है, और धीरे धीरे उसको वो ख्याल सताने लगता है डंकन की मौत का, तो वो क्या हो जाती है, मैं बिकम मैड, वो पागल हो जाती है, ऑन कमिटेड सुसाइड, और वो सुसाइड कर लेती है। ये बात सभी लोग बताते हैं कि जो सुसाइड है, जब परफॉर्म किया जा रहा था तो दिखाया नहीं गया कि किस प्रकार से सुसाइड की गई, सिर्फ ऑफ स्टेज हुआ था ये काम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये पूरी ध्यान रखना है, है ना। लेडी मैकबेथ है वो पागल हो गई है और सुसाइड कर ली है, उसके बच्चे हैं वो भाग गए हैं, मैकबेथ ने अपने ही फ्रेंड जो बैंको था, है ना, उसको मरवा दिया है, लेकिन उसका जो बेटा था बैंको का वो फ्लिंस से भाग गया है, और थ्री विचेस ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच होती चली जा रही है, उसको ऐसा लग रहा है, और जो मैकबेथ है वो पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षाओं से भर चुका है। ये इस प्रकार की कहानी है। अब हम आगे पढ़ते हैं, है ना, कमिटेड सुसाइड अगेन, यहाँ से लिखा है अगेन विद थ्री विचेस, वो थ्री विचेस के पास जाता है एंड फिल एम्बिशंस ऑफ, है ना, और अपने एम्बिशंस को भरने के लिए। तो जब वो अगेन थ्री विचेस के पास जाता है तो वो थ्री विचेस उससे बताती हैं कि आपको तीन चीज़ों से दूर रहना है, है ना, आपको कोई मार नहीं सकता। पहली बात ये बताता है कि पेट से जन्मा बच्चा कोई भी व्यक्ति आपको मार नहीं सकता है, और जब तक कि जो जंगल है आपके आसपास के वो आपको आपकी तरफ न नज़दीक आए, इस प्रकार से आपको तब समझ लेना कि आपका मतलब जीवन खतरे में है, और फ्लिंस जो लड़का है उससे आपको दूर रहना है, इन तीन चीज़ों से खतरा है, बाकी आप सुरक्षित हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम आगे पॉइंट की तरफ। आफ्टर सीइंग दिस, यानी कि इस सबको देख कर मैकडफ को याद आता है कि ये ही मैकबेथ ही इसका किलर है, मैकबेथ ने ही हमारे राजा को मारा है। तो वो क्या करता है, सारी आर्मी यहाँ की इकट्ठी करता है, और जो डंकन के पुत्र थे मेलकम और डोनाल्विन वो भाग जाते हैं इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड जाता है कौन, मैकडफ, और वहाँ की समझाता है उसके बेटों को कि आपके पिता को मैकबेथ ने मारा है। तो उधर जो मेलकम है और डोनाल्विन वो अपनी आर्मी इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वो वापस आते हैं, है ना। लिखा है मैकडफ सस्पेक्ट मैकबेथ, उसको शक हो जाता है मैकबेथ पर, किसको, मैकडफ को, ये दोनों नाम एक जैसे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैकडफ है, डफ यानी डफर से याद कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत चतुर है, उसको शक होता है कि मैकबेथ ने ही हमारे राजा को माना है। तो वो क्या करता है, इंग्लैंड जाता है, मेलकम और डोनाल्विन से बातचीत करता है, उन्हें समझाता है, और एक रेडी करता है, एक तैयार करता है एक आर्मी को टू अटैक ऑन मैकबेथ, और मैकबेथ पर अटैक करता है, है ना। एंड ऑल द थेन सपोर्ट, और जो बाकी के लोकल के लोग थे यानी कि स्कॉटलैंड के, वो भी
मैकडफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेलकम को सपोर्ट करते हैं एंड मैकडफ को सपोर्ट करते हैं, और मैकडफ किल्ड मैकबेथ, और मैकडफ जो है वो मार देता है किसको, मैकबेथ को। क्यों मार देता है, क्योंकि ये जो मैकडफ है वो पेट से जन्मा बच्चा नहीं था, इसको सीजर से यानी पेट चीर कर बाहर निकाला गया था जब बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पे, इसलिए ये मार देता है। और ही बॉर्न लिखा है इसमें, ही बॉर्न फ्रॉम हिज मदर्स स्टमक एंड बिरमन वुड्स, और जो बिरमन यानी जंगल था, यानी कि जो उसके किले के आसपास का जो जंगल था, वो कम टू फोटो और उसके किले की तरफ आने लगा। किस प्रकार से आने लगा था, वो पेड़ काटे लोगों ने, मैकडफ की आर्मी ने, और अंधेरे में उसको पकड़ा और आगे बढ़ते चले आए। तो उसको लगा कि अब ये जंगल है हमारे किले की तरफ बढ़ रही है, और वो फाइनली उसको मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देता है एंड मेक किंग मेलकम, और किंग जो मेलकम था यानी कि डंकन का जो बेटा था बड़ा वाला, उसको राजा बना देता है। और इस प्रकार से ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। मैकडफ भी थैनाफकैटर बना रहता है, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों मर जाते हैं, लेकिन जो फ्लिंस है वो बच जाता है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि मैकबेथ कहाँ से स्टोरी शुरू हुई है, है ना। एक कैप्टन से शुरू हुई, है ना, फिर उसके बाद थैनाफकैटर बना, फिर उसके बाद किंग बना, वो स्कॉटलैंड का राजा को मारा उसने। ये स्टोरी इस प्रकार से चलती आई, उसने बहुत सारे कत्ल कर दिए, तो ये ट्रेजेडी बन गई। इससे हम सीख सकते हैं कि जो थ्री विचेस हैं उसने झूठी भविष्यवाणी की थी महत्वाकांक्षाओं में आकर, है ना, और मैकबेथ ने ये सारी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इस प्रकार से हम कह सकते हैं उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपने ही हाथों, अपनी पत्नी को पागल बना दिया, सुसाइड कर ली उसने। और मैकबेथ को जो उसका फ्रेंड था बैंको, उसका घोस्ट भी दिखाई देता है इसी बीच जब वो पार्टी सेलिब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आता है, बहुत परेशान हो जाता है, फिर वो उसकी बीवी उसी दौरान सुसाइड कर लेती है। तो इस प्रकार से ये पूरी स्टोरी चलती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि मैकबेथ क्या है, एक ड्रामा ट्रेजेडी है और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। इसके किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं हम जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और किस टॉपिक पर आप लोगों को भी वीडियो चाहिए किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर स्माइलिंग, कीप लाफिंग।